नमस्कार, स्वागत है आपका द मोर्चा के डेली बुलेटिन में। मैं आपके साथ पूजा सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। पिंडारा पुल के पास कार की टक्कर से बाइक सवार होकर युवक की हुई मौत। न्यूजन गांव निवासी प्रवीण ने बताया कि मैं व मेरे चाचा का लड़का भूपेंद्र बाइक पर सवार होकर भोशिनापुर अपनी बहन के घर जा रहे थे। जब हम पिंडारा पुल के पास पहुंचे तो एक सफेद रंग की कार आई और उसे हमें सीधी टक्कर मार दी, जिसके चलते मेरा चाचा का लड़का भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और मुझे ज्यादा चोटें होने के कारण भाइयों के द्वारा जींद के नागरिक अस्पताल में ले जाया, जहां से चिकित्सा ने मुझे रोहतक PCR रेफर कर दिया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि प्रवीण के बयान पर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस द्वारा यह मामला देर शाम को दर्ज किया गया, जिसकी पुष्टि पुलिस द्वारा आज की गई। 19 अप्रैल को जिन लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी ऑफिसर बोर्ड की बैठक। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर बेस अमित कुमार ने बताया कि ऑफिसर बोर्ड की बैठक 19 अप्रैल को आज 3:30 बजे स्थानीय लघु सचिवालय कॉन्फ्रेंस होनी निश्चित हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मनोज कुमार करेंगे। यह जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बैठक अध्यक्षता मनित अधिकारी समय पर पहुंचे और सभी आवश्यक कागजात साथ लेकर आए। भिवानी रोड पर पुलिस नाका के पास बिना नंबर की वरना कार से 210 ग्राम अफीम हुई बरामद। शहर थाना पुलिस भिवानी रोड नाका पर वरना गाड़ी सवार के 210 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। शहर थाना पुलिस भिवानी रोड नाके पर वाहनों की जांच कर रही है। उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने भिवानी के तहत से बिना नंबर के वरना गाड़ी को रुकवा क्लास ली तो उसके डैशबोर्ड से पॉलीथीन में लिपटा पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि जब उसकी जांच की गई तो वह अफीम मिली, जिसका वजन 210 ग्राम मिला, जिसके चलते कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क के निर्माण के बाद जो हो रही है अकालगढ़ व बूढ़ा खेड़ा लाडर गांव के ग्रामीण उद्घाटन के 6 महीने बाद भी नहीं हो पाए निर्माण। एक ही सड़क पर जननायक जनता पार्टी भाजपा को कार्यकर्ताओं ने अलग अलग उद्घाटन भी कर दिया है। इसके बावजूद भी 6 महीने बाद सड़क पर केवल रोड़ा डालकर छोड़ा गया है। इनके ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विधायक अमरजीत डांडा ने कहा कि सड़क में नमी की समस्या थी तो बाहर से केमिकल लाकर डाला गया है। जल्द ही सड़क का निर्माण करवाया जाएगा और ग्रामीणों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जुलाना मालवी गांव में तूड़ी बनाते समय ट्रैक्टर में लगी आग, बाल बाल बचा चालक। जुलाना क्षेत्र मालवी गांव के तूड़ी बनाते समय ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास काम कर रहे किसानों ने इसकी सूचना तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड को दी। इसके चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मस्त के बाद आग पर काबू पाया गया। जींद हिसार करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत रोहतक समेत हरियाणा के सभी जिलों देश व विदेश की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। द मोर्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।